हाल ही में लॉन्च हुए रामदेव के आटा नूडल्स पर FSSAI ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आरोप है कि ये नूडल्स बिना इजाजत बाजार में उतारा गया है। हालांकि ये विवाद इससे पहले भी हुआ था, लेकिन उस वक्त पतंजलि की तरफ से ये सफाई आई थी कि इस पर अलग से लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरीके को FSSAI ने गलत माना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने और सीधे सीधे नोटिस जारी कर दिया गया है पतंजलि योगपीठ को, कारण बताओ नोटिस, और 15 दिन में उनसे इस पर जवाब मांगा गया है कि आखिर इजाजत के बगैर कैसे ये नूडल्स बाजार में उतारे गए हैं। मैगी पर जब विवाद शुरू हुआ था उसके बाद बाबा रामदेव ने ऐलान किया था कि पतंजलि योगपीठ के ब्रांड के नीचे वो एक और नूडल्स लॉन्च करेंगे, आटा नूडल्स, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, और उसे उन्होंने लॉन्च भी किया जो काफी सुर्खियों में रहा भी। लेकिन अब इस पर विवाद हो गया और विवाद के इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम आपको बताएं, जब ये विवाद शुरू हुआ तो FSSAI ने ये साफ किया कि उनसे इजाजत नहीं ली गई है। इस पर पतंजलि ने ये सफाई भी दी कि अलग से लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अब नोटिस उन्हें जारी कर दिया गया है और 15 दिन में इस पर जवाब मांगा गया है।